और सबसे पहले आपको खबर बताते हैं हिमाचल में छिड़े सियासी संग्राम की। जी हां, सवाल यह कि क्या अब सुक्खू सरकार का सियासी संकट टल गया है? कांग्रेस के 6 विधायक एक बार फिर से पंचकुला पहुंच चुके हैं, 3 निर्दलीय विधायक भी फिर से पंचकुला लौट आए हैं। चंडीगढ़ के ललित होटल में ये बागे विधायक रुकेंगे। सीएम सुक्खू को हटाने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। सुक्खू सरकार के सियासी संकट के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से बागी विधायक पंचकुला लौट आए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए आज सुबह ही शिमला गए थे, कुछ देर पहले फिर से पंचकुला आ गए हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायक इनमें शामिल हैं, तो साथ ही 3 निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल हैं जो एक बार फिर से पंचकुला पहुंचे हैं। सुक्खू सरकार को फौरी राहत जरूर मिल गई है। विधानसभा में बजट पारित होने के बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है, इसे आप फौरी राहत कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हिमाचल की कांग्रेस सरकार का यह संकट टला है? आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं ये बागी विधायक किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकुला पहुंचे। सुबह ही रवानगी थी, फिर वहां से वापस लौटे हैं। लगातार यही सवाल किया जा रहा है कि क्या हिमाचल का सियासी संकट टल गया है, क्योंकि विधानसभा की जो कार्यवाही थी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सियासी संकट पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राज्यपाल के पास भी विशेष अधिकार, अगर असमंजस की स्थिति बहुमत को लेकर बनी रहती है तो विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के सियासी संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। शिमला पहुंचे कांग्रेस के ऑब्जर्वर डीके शिवकुमार और हुड्डा शिमला पहुंच गए हैं। कांग्रेस विधायकों का फीडबैक ये लेंगे। ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया है ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। कांग्रेस आलाकमान ने इन ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया था। इनमें डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों शिमला पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बैठक के लिए पहुंची हैं। बैठक से पहले तारा देवी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बयान भी दिया है, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। और मेरे सहयोगी राजेंद्र शिमला से जुड़े हैं, तो वहीं पंचकुला से पंकज कपाही भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज, आपके पास आना चाहते हैं, कैसी हलचले हैं, क्योंकि बागी विधायक एक बार फिर से पंचकुला पहुंच चुके हैं। देखिए, इस समय जो 6 विधायक हैं, जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उनके मोबाइल बंद हैं। बीजेपी के साथ लगातार संपर्क में हैं। जो राजीव बिंदल हैं उनके साथ लगातार उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। ऐसे में क्या इनके ऊपर कांग्रेस कार्रवाई करेगी या फिर इनकी मांगे जो हैं वो मानी जाएंगी? क्योंकि आज सुबह ही जो है राजेंद्र राणा न्यूज 18 से बोले थे, उन्होंने कहा था कि मुझे जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद लगातार जलालत मिली है। मैंने प्रेम कुमार धूमल को हराया तो मुझे लगातार जलील किया जा रहा है, जलालत मिली है। और मैं कई बार हाईकमान को बोल चुका हूं कि सुखविंदर सुक्खू को एज ए सीएम बदला जाए, ये लगातार मांग करता रहा हूं, लेकिन कोई एक्शन उन पर नहीं हुआ। तो ऐसे में मेरे पास कई विकल्प खुले हैं, मैं किस तरफ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ये अब समय बताएगा। लेकिन हम इंतजार करेंगे हाईकमान के फैसले का। और जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑब्जर्वर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी शिवा इनको अब भेजा है, तो क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा? क्या उनके साथ 2 डिप्टी सीएम नए लगाए जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी या फिर सरकार गिरने वाली है? क्योंकि आज जयराम ठाकुर जिस तरह से कहते हुए नजर आए कि सरकार जो है वो गिर सकती है, तो ऐसे में तस्वीरें सीधी मैं दिखाना चाहूंगा। चंडीगढ़ का होटल है, एक निजी होटल है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले पंचकुला में चोपर के जरिए एक बार फिर से वापस आए थे, ताऊ देवीलाल स्टेडियम उतरे और यहां से चंडीगढ़ के इस होटल में जो है वो पहुंच गए हैं 6 के 6 बागी विधायक। इनके मोबाइल नंबर बंद हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर हैं जो इनके साथ लगातार राब्ता कायम कर रहे हैं, जिनमें प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के
बिंदल वो लगातार इनके साथ संपर्क जो है वो कर रहे हैं। कल भी उनसे मुलाकात करने राजीव बिंदल पहुंचे थे, पंकज आपके पास आएंगे। फिलहाल शिमला राजधानी का रुख करते हैं, जहां पर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके हैं, बैठक हो रही है, फीडबैक विधायकों का लिया जा रहा है। राजेंद्र बताइए कैसी हलचलें हैं, क्या अपडेट है, क्योंकि यहां पर मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक के लिए पहुंच गई हैं। ऑब्जर्वर आए हुए हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लगातार चर्चा का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है और बैठक लगातार हो रही है। कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने की तरफ कांग्रेस हाईकमान और ऑब्जर्वर बढ़ रहे हैं, चाहे जो भी समीकरण बने लेकिन सरकार कांग्रेस की बने। अब अल्टीमेटली यही इसी तरफ कांग्रेस के हाईकमान बढ़ रही है, ऑब्जर्वर बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जारी है। अब मेरे पीछे विधानसभा परिसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठक है स्पीकर के कक्ष में। जो छह बागी विधायक हैं जो पंचकुला पहुंचे हुए हैं, उनको लेकर यह बैठक जारी है। पिछले कल एक व्हिप कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था और उसमें कहा गया था तमाम विधायकों को, जो कट मोशन विपक्ष की तरफ से लाया गया था उसके ऊपर जब वोटिंग होनी थी उस वक्त मौजूद रहने के लिए कहा गया था तमाम विधायकों को, लेकिन ये छह विधायक भोजनावकाश के बाद अनुपस्थित सदन से थे। इसके बाद आज के लिए कट मोशन लाया, जो आज बजट पास किया जाना था, तो बजट पास करने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया था, लेकिन आज भी ये छह के छह विधायक सदन से नदारद थे। तो ऐसी स्थिति में अब हर्ष महाजन की तरफ से स्पीकर के समक्ष पूरी स्थिति रखी गई थी जब बजट पास हुआ था, उससे पहले की दो बार व्हिप जारी किया गया और दोनों बार ये छह विधायक व्हिप की उल्लंघना कर चुके हैं। और अब स्पीकर के चैम्बर में, स्पीकर के कक्ष में इस पूरे मसले को लेकर लगातार बैठक जारी है। राजेंद्र, ये बताइए क्या आज ही फैसला हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, जो बागी विधायक हैं उनको लेकर क्या स्पीकर आज ही अपना फैसला सुना सकते हैं? बिल्कुल, कुछ मिनटों में हम कह सकते हैं, 10 से 15 मिनटों के अंदर उम्मीद की जा रही है बैठक खत्म होगी और उसके बाद उनकी सदस्यता के ऊपर फैसला होगा। अब बड़ा फैसला आने की आशंका जताई जा रही है, जिस प्रकार से दो बार व्हिप की उल्लंघना हो गई है, क्या संविधान कहता है, ये सारी चीजें स्टडी की जा रही है। एडवोकेट्स यहां पहुंचे हैं, दोनों पक्षों के पहुंचे हैं। इससे पहले भाजपा की तरफ से भी सत्यपाल जैन यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। कांग्रेस की तरफ से भी एडवोकेट जनरल और तमाम पूरी टीम एडवोकेट्स की यहां पहुंची थी, उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया था। और अब निष्कर्ष निकालने के लिए यह बैठक यहां पर जारी है। अब देखना होगा कि संविधान के अनुसार जो प्रावधान है, कौन सी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। राजेंद्र, आपसे तस्वीर समझना चाहते हैं, तकनीकी पहलू इस पूरी तस्वीर का आपसे समझना चाहते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो तस्वीर होगी, अगर ऐसा होता है कि अब यहां से इनकी सदस्यता को अगर रद्द कर दिया जाता तो क्या तस्वीर होगी, किस तरीके से आगे हम देख सकते हैं सरकार का? जी राजेंद्र, क्या तस्वीर आपको लगती है, तकनीकी पहलू क्या है? जी अब बिल्कुल, अगर इन छह सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर व्हिप की उल्लंघना इनके ऊपर लगाई जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जरूर राहत हो सकती है, क्योंकि बहुमत कांग्रेस का अभी भी विधानसभा में रहेगा। 40 सीटें कांग्रेस ने जीती हुई हैं, उनमें से अगर छह विधायकों को माइनस कर दिया जाता है फिर भी 34 विधायक कांग्रेस के रहते हैं। और भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा 25 और 3 28, 3 निर्दलीय विधायक हैं, उनको जोड़ जाए तो 28 पे भाजपा रहती है। और अगर उस स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव भाजपा की तरफ से लाया जाता है तो कांग्रेस को जीत हासिल होगी। लेकिन अगर ये छह विधायक, इनकी सदस्यता रहती है और ये बीजेपी में प्लस होते हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इनकी सदस्यता को आगे कंटिन्यू किया जाए, व्हिप का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसे में कोशिश कांग्रेस की तरफ से रहेगी कि इनके ऊपर व्हिप लागू किया जाए और इनकी सदस्यता को खत्म किया जाए। स्पीकर के फैसले का फिलहाल तो यहां पर स्पीकर अपना जिस तरीके से पक्ष रख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, तकनीकी पहलू है इसमें तो उस पर विचार विमर्श हो रहा है। वही पर जारी किया था, उसका उल्लंघन हुआ है तो कानून क्या कहता है और उसके बाद स्पीकर का अंतिम फैसला क्या होगा, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है हिमाचल प्रदेश में।